हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। इस रेसिपी को बनाने में हमें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। ये रेसिपी हम एक नई तरीके से बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम बैंगनों को डायरेक्ट गैस पर नहीं भुनेंगे, बल्कि बैंगनों को काटेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने यहाँ पर ले लिए हैं 1 किलो बैंगन। इन्हें हम अच्छे से हम काट लेंगे। हम काट इसलिए रहे हैं क्योंकि बैंगन अंदर से खराब भी मिल सकते हैं। कई लोग बैंगन की रेसिपी डायरेक्ट गैस पर भून कर बनाते हैं, जिससे हमें नहीं पता चलता है कि अंदर से बैंगन खराब है कि नहीं है। तो इसलिए ये देखिए, अंदर से बैंगन खराब है तो उसको हम अलग कर लेंगे। अब हम बैंगन को अच्छे से धो लेंगे। इन्हें अच्छे से धो लीजिए। सब बैंगन को एक कुकर के अंदर डाल लेंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर हम इन बैंगनों को अब हम पकाएंगे। एक ग्लास पानी लें। अगर आपको ग्रेवी थिक चाहिए तो 1 कप पानी का इस्तेमाल करें। अब हम कुकर की 5 सीटियों तक इंतज़ार करेंगे। 5 सीटी लगने के बाद हम अपना तड़का तैयार करेंगे। ये हमने तड़के के लिए एक पैन रख लिया है। ये हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच गाय का घी। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 3 प्याज बारीक कटे हुए। तड़के को जब तक हिलाते रहिए तब तक ये एक सुनहरा रंग प्याज ना पकड़ ले। अब इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। 5 टमाटर छोटे छोटे बारीक कटे हुए। इन्हें अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को तड़के में अच्छे से हम मिला लेंगे और जब तक मिलाते रहेंगे जब तक हमारा घी ऊपर ना आ जाए। हमारे बैंगन तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारे बैंगन अच्छे से पक चुके हैं। अब हम अपने तड़के को इन बैंगनों में मिला लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे ढककर, ताकि ये तड़का और बैंगन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारी बैंगन की सब्जी तैयार है। ये तैयार है। गरम गरम इसको आप परोसिए अपने परिवार को। बैंगन की सब्जी बनाने के कई सारे तरीके हैं, पर हम यही रिकमेंड करेंगे कि इसी तरीके से बैंगन की सब्जी को बनाया जाए। इस पर थोड़े से हम गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए की। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है। ऐसी ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।